मान ले रहे हैं आज यहाँ तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि पेंशनर है वो जमा हुए हैं अपने हकूक के लिए। हुकूमत ने 2 साल से पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया जबकि महंगाई में 200 गुना इजाफा हो चुका है। अभी हुकूमत ने हाल ही में मुलाजमी हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाह में तो 25% इजाफा किया, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने मुल्क का सबसे कमज़ोर तबका मुस्तहिक तबके को उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। लिहाजा हम आज यहाँ एहतजाजन हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं कि वो पेंशनरों को तवज्जो दें। वो इस मुल्क का इंतहाई एहतराम वाला हिस्सा है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हुकूमत की खदमत की है। दुनिया में तो ये होता है कि जब इंसान 60 साल का हो जाता है तो उसे मराहत दी जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है इस वाहिद हुकूमत ने अब सुना है कि पेंशनरों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए सोचती है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि महंगाई सबके लिए बराबर है। अगर इमरान खान के 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो पेंशनरों का 20-30-40 लाख कहाँ से गुजारा होगा। फौरी तौर पर 25% पे की तरह पेंशन में भी इजाफा किया जाए। मैं एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो ज़रूर नज़रसानी करें, क्योंकि ये बूढ़े लोग हैं, निकल नहीं सकते हैं, इनकी खिदमत आपका फ़र्ज़ है।